हाय फ्रेंड्स, आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो मेरे कुछ व्यूअर्स है जो अभी अभी वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, उन्हें काम आएगा। और जो लोग वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, यूज़र्स है, उन्हें भी काम आने वाला है। कई बार क्या होता है, कपड़ों के साथ साथ कुछ सिक्के कॉइन्स या कुछ चीज़ें वॉशिंग मशीन में चली जाती है और कहीं पर फंस जाती है, तो उसकी वजह से मशीन में से बहुत बहुत आवाज़ आती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एजिटेटर, इसे एजिटेटर कहते हैं, उसे हमें खोलना होगा। एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, उससे जो ऊपर का कैप है उसे खोल दीजिए। उसमें साइड में लॉक होते हैं, उस लॉक को प्रेस करने से ये ढक्कन खुल जाएगा। इसमें काफ़ी सारा मड़ भी जमा होता है। इसके सेंटर में आप देख सकते हैं एक स्क्रू है, बीचों बीच उसको आप एक लंबे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसे खोल सकते हैं। बस आपको यही करना है, स्क्रू को खोल देना है। स्क्रू को खोलने के बाद एजिटेटर का ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, उसे आप निकाल दीजिए। यहाँ बहुत सारा मड़ जमा हो चुका है। अब बारी है पल्सेटर की, इसे पल्सेटर कहते हैं, उसे आप थोड़ा ज़ोर लगा कर खींच सकते हैं। अगर नहीं खुलता है तो कई बार हमें इस पे एसिड भी डालना पड़ता है, जिससे कि यह साफ्टिंग में से लूज़ हो जाए और ऊपर आ जाए। एक पतला सा स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उसको चारों ओर से इस तरह से प्रेस करिए ऊपर की तरफ। थोड़ी कोशिश के बाद यह अपने आप ऊपर आ जाएगा और उसको इस तरह से खींच लीजिए। ये देखिए, यह खुल चुका है। बस उसको ऊपर की तरफ खींचना है। इसके नीचे बहुत सारी धूल मिट्टी जमा हो चुकी है, मड़ जमा हो चुका है। यहाँ पर पिन कॉइन्स वगैरह सब गिरे हुए होते हैं, उसे आप निकाल दीजिए। यह गियर बॉक्स का साफ्टिंग है, इसके नीचे वाटर सील और गियर बॉक्स लगा हुआ है। If you like my videos, please press the like button, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get notification of my videos. Thanks for watching.